हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर के ब्लॉग्स वीडियो। गाइज, अभी हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़े हैं और यहां पे आपको समुद्र में बहुत सारे जहाज देखने को मिल सकता है। इधर बहुत सारे जहाज हैं यहां पे, और अभी मैं ठीक ताज होटल के सामने खड़ा हूँ। ये ताज होटल बिल्कुल आपको इधर दिख पा रहा होगा, इधर आपको ये ताज होटल दिख पा रहा होगा पूरा साफ साफ। गाइज, यहाँ पर धूप बहुत तेज है, बहुत तेज़ धूप होने के सामने मैं रियर कैमरा से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आँख पर रोशनी लग रही है, धूप की किरने लग रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बैक कैमरे का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। इस साइड में आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी पनिया जहाज है ये समुद्र में। आप चाहे तो यहाँ पर आके राइड ले सकते हैं। एक राइड का 250 से 300 रुपये चार्ज लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस साइड में आपको ताज होटल दिख पा रहा होगा। इस होटल या होटल मुंबई की कुलाबा में समुद्र तट पर स्थित है। मुंबई का यह 5-स्टार होटल है। ताज होटल की मुख्य इमारत का निर्माण इंडो सेरेमिक शैली में टाटा द्वारा कराया गया था तथा इसे पहली बार 16 दिसंबर 1903 को खोला गया था। इस होटल में निर्माण द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर हुआ था। इस होटल पर एक बार आतंकवादियों ने आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और उस दिन से भारत में काले दिवस मनाया जाता है। तो इस होटल का पूरा वीडियो, मैं एक स्पेशल वीडियो इस होटल की पूरी कहानी में अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा नया चैनल। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस साइड में आप देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया है। यह मुंबई के कुलाबा में समुद्र किनारे स्थित है। इस गेट को 1911 में ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के पहली बार आने के याद में बनाया गया था। इस गेट का मैं सामने से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें इस गेटवे ऑफ इंडिया को आप सामने से देख सकते हैं कैसा लग रहा है। इस गेट के निर्माण की आधारशिला 1913 में रखी गई थी और अंतिम डिजाइन 1914 में हुआ था और इसका निर्माण 1924 में पूरा हो गया था, या 1924 में पूरा बनके तैयार हो गया था। 26 मीटर ऊंची इस संरचना का बनावट 80 ताशम से किया गया था। यहाँ पर समुद्र घूमने के लिए नाव से भी आप जा सकते हैं, जो मैं पहले भी बताया। आप यहाँ पे 250 से 300 का राइड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं, अगर आपके पास कोई आपके साथ नहीं है, अगर आपको यहाँ पे फ़ोटो लेना है, यहाँ की यादें को आप कैद करना चाहते हैं, तो आप यहां से कैमरामैन को हायर कर सकते हैं। पर फोटो आपका 30 रुपये लगेगा और वो फ़ोटो आप चाहे तो अपने मोबाइल में भी ले सकते हैं या फिर आप उसको निकलवा कर भी आप ले सकते हैं, प्रिंट करवा कर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हर फोटो पे 30 रुपये देना पड़ेगा। जितने फ़ोटो आप लीजिएगा उतना 30 रुपये लगेगा आपको। यहाँ पर आपको स्कोप भी मिल जाएगा दूर का नज़ारा देखने के लिए, समुद्र के बीच का नज़ारा देखने के लिए। तो आप चाहे तो राइड कर सकते हैं या आप स्कोप से भी देख सकते हैं, दूरबीन से देख सकते हैं। समुद्र के बीच में कुछ कुछ दिखाई देता है, वो उधर लाइट हाउस है, उस सामने में बहुत सारे कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ताज होटल का नज़ारा है और इस टाइम अभी ताज होटल के बिल्कुल ठीक ऊपर में सूरज है क्योंकि अभी दोपहर का 2 बज रहा है और आज संडे नहीं है, इसके लिए भीड़ भी कम है। और अगर आप संडे को और भी शाम में आते हैं तो यहाँ पर पैर रखने का भी जगह नहीं होता है, बहुत सारा भीड़ होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितनी भी वीडियो बनाएंगे आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमें आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो मैं आगे भी वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।